क्या आप जानते हैं कि इस वर्ष सावन मास में एक अद्भुत संयोग होने जा रहा है? जी हाँ, इस बार सावन की शुरुआत और समापन दोनों ही सोमवार के दिन होंगे, जिससे यह माह और भी विशेष हो जाएगा। सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त को समाप्त होगा और इस दौरान 5 सोमवार होंगे, जो महादेव के भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। सावन मास का शुभारंभ 22 जुलाई को होगा, जो कि श्रवण नक्षत्र, प्रीति और सर्वार्थ सिद्धि योग में रहेगा। यह अद्भुत संयोग महादेव के भक्तों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। ज्योतिष आचार्य पंडित अमरनाथ द्विवेदी के अनुसार 22 जुलाई को सूर्योदय से रात 11:40 तक सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ प्रीति योग और श्रवण नक्षत्र योग रहेगा। सावन का अंतिम दिन 19 अगस्त को शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि होगी, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन शोभन योग रहेगा, जो पूरे माह की समापन को और भी विशेष बना देगा। इस बार सावन के पहले दिन और आखिरी दिन सोमवार ही रहेगा, जिससे यह माह और भी खास हो जाता है। मान्यता है कि सावन सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इस बार श्रावण महीने में महादेव के भक्तों को पूजा अनुष्ठान करने के लिए कुल 5 सोमवार मिलेंगे। पहला सोमवार 22 जुलाई, दूसरा सोमवार 29 जुलाई, तीसरा सोमवार 5 अगस्त, चौथा सोमवार 12 अगस्त, पाँचवा सोमवार 19 अगस्त। हर सोमवार को भोलेनाथ की विशेष पूजा और व्रत करने से उनकी कृपा प्राप्त होगी। आचार्य पंडित अमरनाथ द्विवेदी के अनुसार 23 जुलाई को सुबह 5:57 से दोपहर 12:05 तक पुष्कर योग रहेगा। इसके बाद पूरे श्रावण माह में 7 दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। समापन पर 19 अगस्त को सूर्योदय से शाम 7:30 तक शोभन योग रहेगा। इस वर्ष श्रावण महीना 22 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और 19 अगस्त को उसकी समाप्ति है। श्रावण पूर्णिमा है और श्रावण के महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। एक तो प्रथम सोमवार है 22 जुलाई को, दूसरा है 29 जुलाई को, तीसरा है 5 अगस्त को, चौथा है 12 अगस्त को और पांचवा है 19 अगस्त को। और इसमें जो 22 जुलाई को जो प्रथम सोमवार है, उसमें श्रावण का महीना और श्रवण नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग है। बहुत ही सुंदर, समस्त कामनाओं को देने वाला है इस दिन जो सुंदर। वैसे भी श्रावण का महीना तो महादेव जी के पूजन में संपूर्ण धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग कामनाओं की वर्षा करने वाला है मनोकामना को, लेकिन विशेष करके पहला सोमवार और अंतिम सोमवार, उस दिन पूर्णिमा भी है और श्रवण नक्षत्र उस दिन भी है। इस प्रकार से श्रावण के महीने में 5 सोमवार का योग है और सुंदर अच्छे फलों को देने वाला है, जिसमें महादेव जी की आराधना संपूर्ण कामनाओं को देने वाली होती है। इसलिए भक्त लोग अवश्य विशेष रूप से 5 सोमवार को सुंदर विधिवत पूजन करें, पूरे महीने करें, लेकिन विशेष करके प्रथम सोमवार और अंतिम सोमवार जो है सुंदर 19 अगस्त को जो है विशेष करके इन दोनों में तो अवश्य रूप में करें। तो दोस्तों, इस सावन मास को और भी शुभ बनाने के लिए तैयार हो जाइए। भोलेनाथ की आराधना, व्रत और विशेष पूजाओं के माध्यम से उनकी कृपा प्राप्त करें। लोकल 18 के लिए कोरबा से अनूप पासवान की रिपोर्ट।